हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम हलवाई स्टाइल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाएंगे। लड्डू को हम फ्रिज में रखकर 2 महीने तक खा सकते हैं। तो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, 50 ग्राम घी है, आधा घी डाल देते हैं और मेवे भूनते हैं। 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम काजू है, 50 ग्राम अखरोट गिरी है। हम ड्राई फ्रूट्स को 2-3 मिनट भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। हमें केवल मॉइस्चर खत्म करना है, कलर चेंज नहीं करना। 1 मिनट हो गया है, पिस्ता डालते हैं। 2 चम्मच पिस्ता है, पिस्ता जल्दी भुन जाता है, इसलिए हम पिस्ता बाद में डाल रहे हैं। 50 ग्राम किशमिश है, किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसे बस 1 मिनट भूनेंगे। 2 ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं काजू, बादाम, किशमिश सब फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। कढ़ाई में जो घी बचा है, इसमें हम खसखस भूनेंगे। 2 चम्मच खसखस है। खसखस भुन गई है। 50 ग्राम नारियल है, जिसे हम चाकू से पतला पतला काट लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। नारियल लड्डू को बाइंड करने में मदद करता है। 2 चम्मच चिरौंजी है। हम सबको बस 2 मिनट भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। मैंने लड्डू में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स ना पसंद है तो उसे छोड़ सकते हैं, और जो पसंद है उसे बढ़ा सकते हैं। मिनट हो गए, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और कढ़ाई को फिर से गैस पर रख देते हैं। 25 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, इन्हें भूनते हैं। इन्हें भूनने में बस 2-3 मिनट लगेंगे। जब बीज फूल जाएंगे और चटकने लगेंगे, हम बीज निकाल लेंगे। बीज भुन गए हैं, बीज फूल गए हैं और चटकने भी लगे हैं, कलर भी चेंज हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स भून कर तैयार कर लिए हैं, शुगर सिरप बनाते हैं। हमने कढ़ाई को फिर से गैस पर रख दिया है। 1 कप चीनी है, कढ़ाई में डालते हैं और फ्लेम को लो पर कर देते हैं। 1/3 कप पानी है, चीनी का आधा। चमचे से चला देते हैं। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें केवल चीनी को पानी में मेल्ट करना है। हमने 4 इलायची का पाउडर बनाया, इसे डाल देते हैं, जिससे लड्डू में अच्छी खुशबू आए। चीनी पानी में अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, अब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। हम सभी ड्राई फ्रूट्स साबुत डाल रहे हैं, क्योंकि हम हलवाई स्टाइल लड्डू बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो 2-3 टुकड़े करके काजू बादाम के, या फिर मिक्सी में दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं। अब लड्डू के लिए मिक्सर बनकर तैयार है। इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस ऑफ कर देते हैं, नहीं तो ठंडा होने के बाद लड्डू हार्ड हो जाएंगे। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने देंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम लड्डू बनाएंगे। मिक्सर पहले से थोड़ा ठंडा हो गया, हम इसे छू सकते हैं, हम लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने से पहले हाथ में थोड़ा घी लगाएंगे और लड्डू बांधेंगे। अगर हम घी नहीं लगाएंगे तो मिश्रण हाथ में चिपक जाएगा और लड्डू नहीं बनेंगे। अगर आपका लड्डू का मिक्सर जम जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करें और मिक्सर को गर्म कर लें, लड्डू बन जाएंगे। अब हम दूसरा लड्डू बनाते हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। हमारे लड्डू बनकर खाने के लिए तैयार हैं। हमने 50 ग्राम घी लिया था, उसमें से 20 ग्राम घी बच गया है। अब हम आपको लड्डू पास से दिखाते हैं। लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। अब लड्डू अंदर से दिखाते हैं। लड्डू बहुत ही सॉफ्ट हैं और खाने में क्रंची हैं, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर डाला है।
आप भी इस दिवाली लड्डू बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।